गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ सुजय भाई के घर। उनका है बर्थडे, सो मैं उनको एक छोटा सा सरप्राइज देने के लिए जा रहा हूँ। बट एक बैड न्यूज़ भी है एंड वो सीधा मैं आपको वहीं पे जाके बताऊँगा, बट बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे, एकदम मज़े में। सो अभी मैं आया हूँ, थोड़ा सा गाड़ी लेके निकले हैं क्योंकि सारा मैं मिलवाऊंगा, अभी सारा का बर्थडे आने वाला है तो कुछ उसको शॉपिंग करनी थी तो, और मुझे भी कुछ काम था तो हम साथ में निकल गए और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ में है। सो हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए और आए थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। देखते हैं बाहर चल के कि क्या उसको लेना है, क्या पसंद आता है। भाई भाई बर्थडे गर्ल है तो अब उसको बहुत कुछ लेना ही होगा। चलो एक ब्लॉग सारा के बर्थडे के लिए, चलो चलते हैं और बाहर देखते हैं कि क्या शॉपिंग कर रही है वो सारा। नहीं ये वाली नहीं चाहिए, ऐसी वाली, ऐसी वाली। बर्थडे शॉपिंग, बर्थडे शॉपिंग। सारा का बर्थडे, सारा सारा बर्थडे कल और बर्थडे कल क्या ली कुछ नहीं ले रही। चलो गाइस देख लो क्या शॉपिंग करनी है उसको। हाँ चलो किसी और शॉप चलते हैं, यहाँ पे उसको पसंद नहीं आया। गाइस ये है देखो बर्थडे गर्ल, ये ले रही है अपने लिए गिफ्ट, तो जा रहे हैं वापस हम। इसको यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया तो अभी निकलते हैं कहीं और चलते हैं। चलो चलते हैं। तो गाइज सारा और दीदी गई हैं अभी शॉपिंग करने बाहर और मैं थोड़ा सा इधर गाड़ी पार्क कर रखी है, बट ये रोड साइड पार्किंग है सो इसलिए मैं यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता एंड मुझे गाड़ी में रुकना पड़ेगा इसलिए। चलो कोई नहीं, बट अभी वेट करते हैं उनका। और भाई सारा ने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी, उसने ना मोटर बंद नहीं करी और हमारे घर की मोटर फूक गई है, मतलब काफ़ी देर हो गया उस पानी की मोटर को चलते हुए और अब पानी नहीं आएगा, दिक्कत एक नई, अब उसको लगवाना पड़ेगा। और उसको दीदी से पड़ गई है डांट बहुत ज़ोर से। सो घर से लड़की का बर्थडे भी है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में जाके उसको बर्थडे विश करना, हैशटैग सारा बर्थडे गर्ल। सो कोई नहीं, चलो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अभी दिखाता हूँ क्या शॉपिंग करने गए हैं वो और क्या लेके आते हैं, तब तक करते हैं इनका वेट। और गाइस कल है रक्षाबंधन और यहाँ पे गाइस गर्ल्स अपना मेहंदी वेहंदी लगाते हुए और शॉपिंग करते हुए अपने शॉपिंग कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। बट खर्चा किसका हो रहा है, हस्बैंड का और भाइयों का? खर्चा किसका हो रहा है, हस्बैंड का क्योंकि उनको वाइफ को जाना है अपने घर, और भाइयों का कि बहन आने वाली है। सो भाई मतलब लड़के लोगों की तो जेब खाली होने वाली है, सो एक लाइक उनके लिए भी, अपने भाई लोगों के लिए भी एक लाइक बनता है यार, और चैनल को कर सब्सक्राइब। और अभी कहीं घूमने नहीं जा रहा तो मैं जो मेरा डेली लाइफ है शेड्यूल है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। सो इसी बात पे हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड एक प्यारा सा कमेंट सारा को विश करना। और अभी चलते हैं आगे, और अभी हमने भूख लगी है तो कुछ खाया था हमने, अभी लंच किया था तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत टेस्टी होते हैं मुखर्जी नगर में। अब पानी बहुत भरा हुआ था गाइस, मतलब कि वहाँ पे मैं व्लॉग करने वाला था, थोड़ा सा पार्ट मैंने लिया उसका बट पूरा नहीं लिया, जहाँ पे ज़्यादा पानी भरा हुआ था मैंने वो पार्ट तो मैंने शूट ही नहीं किया। बट यार हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए,
मतलब इतना पानी भरा हुआ है ना कि मतलब पूरा फुटपाथ तक पूरा पानी भरा हुआ था। चलो कोई नहीं, ये तो लाइफ ऑफ पार्ट है, अभी चलता रहेगा क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन हुआ नहीं है, तो अब कैसे हो सकता है। और बट कोई नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सो MCD वालों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो कोई देख रहे हैं वहाँ से, तो प्लीज़ इसका सॉल्यूशन करो, क्योंकि हम तो गाड़ी में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लेकिन जो टू व्हीलर पर, बाइक्स पर या फिर पैदल है ना, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ट्रैवल करने में और निकलने में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कुछ सॉल्यूशन करो। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं इसको लड़कियों को क्या क्या शॉपिंग करना है, और असली धमाका तो घर जाके होगा। चलो जाने दो, जाने दो भाई लोग, जाने दो, किसी की जान बच जाएगी और हम, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। तो प्लीज़ जब कभी भी निकलती है एम्बुलेंस, तो प्लीज़ उसको रास्ता दो। बाय द वे, मेरे गूगल्स ऐसे लग रहे हैं, हाँ, हालांकि मैंने अभी फेस नहीं दिखाया, तो अभी दिखा दो। सो ये ऐसा है कबीर सिंह वाला, आई नो अच्छा ही लग रहा है मेरे ऊपर, बट पड़ा था तो मैंने डाल लिया। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। A few moments later. So, गाइस मैं अभी जा रहा हूँ सुजोय भाई के घर, उनका है बर्थडे, सो एंड चलते हैं, सुजोय को देते हैं एक छोटा सरप्राइज। एंड पीछे गाइस मैंने एक वीडियो भी रेंडर के लिए लगा के जा रहा हूँ, एंड कल सुबह एक व्लॉग आने वाला है। एक्चुअली ये व्लॉग मेरा बाद में आएगा, बट क्योंकि थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ मैं अपने व्लॉग में, क्योंकि अभी शिमला की सीरीज चल रही है, उसके बाद और भी कंटेंट है, उसके बाद ये व्लॉग आएगा। तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप सुजोय को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश कर देना, और अभी चलते हैं सीधा सुजोय के घर, उसके लिए लेते हैं एक छोटा सा केक, क्योंकि हम दोनों ही हैं और कोई है नहीं, तो छोटा छोटा सा केक लेते हैं एंड सेलिब्रेशन करते हैं, और निकलते हैं सीधा अपनी बाइक पर, क्योंकि इस समय रात के, अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो 8 बज गए, बट अब मोटो व्लॉग तो नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ उसके घर पर, सीधा केक लेते हैं और उसके घर पर चलते हैं, मिलते हैं सीधा सुजोय के घर। सो गाइस मैं आ गया हूँ दादा के घर पे, सुजोय दादा के घर पे। सो अभी हम लोग छोटा सा करते हैं सेलिब्रेशन, दादा पीछे आ गए हैं। सो दादा हैप्पी बर्थडे। अरे कहाँ जा रहे हो, वीडियो में तो आओ, लगता दादा शर्मा रहे हैं। हम और शर्माने वाले हैं क्या? तो गाइस मैं दिखाता हूँ छोटा सा, हमने केक अरेंज किया है, ठीक है, दादा के लिए छोटा सा सरप्राइज, क्योंकि हम दोनों ही हैं और कोई है नहीं, तो छोटा सेलिब्रेशन बनता ही है दादा के लिए। तो ये आ गया हमारा केक, यहाँ पे मैंने जॉय भी, भाई का नाम जो है सुजॉय, तो उसका जॉय जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि जॉय भाई को बड़ा पसंद है। और आंटी जी ने हमें दिया यहाँ पे खीर, एक स्पंज और कुछ फ्रूट्स। सो दादा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा सरप्राइज तो बताओ, आज क्या सरप्राइज मिला आपको बर्थडे वाला? मैंने बताया नहीं, मैंने घर पर बोल के आया था कि दादा ही बताएंगे। तो भाई आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, मुझे नहीं पता था कि ऐसा सरप्राइज मुझे मिलने वाला है। मैं घर से निकला, घर से निकलने के बाद बाइक स्टार्ट करी, एक्चुअली क्या था, मेरे सामने जो फ्रेंड है उसके पापा की तबीयत खराब है, तो 40 में एडमिट है वो, ठीक है, तो मैं उनके लिए कुछ सामान लेके जा रहा था, तो लेके जब जाने लगा, देन उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक मुकंदपुर का गोल चक्कर पड़ता है, तो वहाँ से जैसे ही मैंने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेते साथ ही एक गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी, देन उसके बाद एक और गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी, और उसके बाद हम तो राइडर हैं, हम ब्रेक बहुत अच्छी मारते हैं, सच में मैंने बहुत अच्छी ब्रेक मारी। मैंने जैसे ही ब्रेक मारी मेरी बाइक रुक गई एकदम स्टिल, लेकिन पीछे जो बाइक आई ना, पीछे जो गाड़ी आई ना, वो मुझे नहीं पता क्या थी, या चैंपियन था या सेंट्रो थी, दोनों में से एक थी इतना कंफर्म है, तो उसने मुझे ये दे दिया। ओह बर्थडे सरप्राइज, बर्थडे और वो भी सुबह सुबह गाइस, मतलब ये पूरा ना यहाँ से स्वेल है, ये पूरा स्वेलिंग हो रखी है, ब्लू हो रखा है एकदम, वो आपको देखेगा नहीं क्योंकि बैंडेज है ना, पूरा बैंडेज है, क्लैप बैंडेज लगा रखा है। देन अगर कुछ कल होता है, लगता है कि गलत है, प्रॉब्लम है, दर्द है, तो उसके बाद इसका एक्सरे करवाना पड़ेगा, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग राइडर है, नेक्स्ट ट्रिप के लिए हमें तैयार होना है, और ऐसे टूटे फूटे पैर से तो बिल्कुल नहीं हो सकते।
बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज थैंक्स फॉर गॉड, थैंक यू जीसस पापा कि आपने मेरा हेल्प किया, बचा लिया। पिछले 3-4 दिन से ना एक छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो रहे हैं मेरे साथ, लेकिन थैंक्स फॉर गॉड कि गॉड मुझे बचा रहा है। चलो थैंक यू भाई, थैंक और गॉड का सबसे पहले थैंक यू है कि भाई को बचाया। तो आपको ना डबल विश करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले भाई की बेटी हुई है तो भाई को जाके कॉन्ग्रेचुलेशन कर देना, और आज बर्थडे भी है और गेट वेल सून तो आप कर ही देना भाई को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, आपकी दुआएं तो बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो चलो हम करते हैं छोटा सा सेलिब्रेशन और आप लोग इन्जॉय करो, थोड़ा म्यूजिक इन्जॉय करो भाई, करते हैं केक कटिंग। तो अब कोई है तो नहीं, है हाँ मी है तो आपको खुद को कैंडल लगानी पड़ेगी। खुद का मेरा बर्थडे है, मैं कैंडल लगा रहा हूँ। चलो अब बैकग्राउंड में सुनो आप म्यूजिक और हम चलाते हैं हैप्पी बर्थडे म्यूजिक। भाई कैंडल तो वापस जल गई, बोली है ना मैजिक कैंडल। नहीं मैजिक कैंडल नहीं, नहीं मैजिक कैंडल नहीं है। नहीं भाई मेरे को नहीं बनता, आपको बनता है पहले। अबे मेरा तो बर्थडे है, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, खिलाऊंगा ना मैं आपको। चलो भाई दोनों साथ साथ खिलाते हैं, ठीक है। तो भाई कमेंट सेक्शन में कर देना भाई को विश, ठीक है। हम लोग करते हैं केक एंजॉय, आप लोग